Ja, det vill. तो बस सब गाइस इशू बाय देते हैं एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लोकल मोटरसाइकिल्स। तो इस वीडियो का सारा मसला शुरू होता है इस जगह से, जी बिल्कुल इसी जगह से, नेस्कैफे सिद्धड़ा से। मैं और योगेश भाई अपनी फेवरेट जगह पे चिल कर रहे थे, ऑल टाइम फेवरेट हेजलनट फ्रैपे के साथ, और गप्पे छप्पे लगा रहे थे। अभी वहाँ से एक सेक्सी सी आइटम निकलती है। अबे कॉफ़ी को छोड़, आइटम का पीछा कर। तो फिर हम उस आइटम का पीछा करने लग शुरू कर देते हैं, और आखिरकार 2-3 किलोमीटर के बाद हम आखिरकार उस सेक्सी सी आइटम को पकड़ ही लेते हैं। और वो सेक्सी आइटम थी ये डुकाटी मॉन्स्टर 821, और वो भी जम्मू रजिस्टर। बिल्कुल सही सुना, जम्मू रजिस्टर, जो कि जम्मू की फर्स्ट जम्मू रजिस्टर डुकाटी मॉन्स्टर 821 है। जो ओनर थे उस बाइक के काफ़ी अच्छे थे, हमने उनको बोला कि बाइक के साथ शूट करना, तो उन्होंने ज़रा भी मना नहीं किया, और उन्होंने कहा बिल्कुल करो आप शूट बाइक के साथ। तो हम उस बाइक का शूट ख़त्म करके घर की तरफ वापस आते हैं। दौड़ते समय मन में इतने ख्याल आ रहे थे, इतने मन में लड्डू फूट रहे थे एक किस्म से, कि इस वीडियो के साथ मैं ये करूँगा, इस वीडियो के साथ मैं ये करूँगा, बाइक की साउंड आएगी, आगे से शॉट लूँगा बाइक का, पीछे से शॉट लूँगा अपना, क्या साउंड आ रही है बाइक की, क्या साउंड रिकॉर्ड होगी। बस मन में यही ख्याल आ रहा था कि बस अब घर पहुँचना है और इस वीडियो के ऊपर काम करना शुरू कर देना है। ऐसा लग रहा था कि भाई बस अब यही वीडियो तेरे को व्यूज़ दिलाएगी। तो घर पहुँचते ही हेलमेट खोलता हूँ और सीधा मेमोरी कार्ड निकाल के गोप्रो से भी और DSLR से भी सारा डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ। डाटा ट्रांसफ़र करने के बाद जैसे मैं गोप्रो वाली वीडियो प्ले करता हूँ, ऑडियो फिर से नहीं रिकॉर्ड हुआ। ये होता है उसके साथ, GoPro की फाइल्स ट्रांसफ़र की, DSLR की फाइल। DSLR में तो ऑडियो का कोई सीन नहीं था, DSLR से मैंने बी रोल्स लिए थे, जो कि आपको आगे देखने को वही मिलेगा सिर्फ सिनेमैटिक ही। बस ये मेरी अब बातें आप सुन लो, सुननी है नहीं सुननी है तो सीधा स्किप करके वीडियो आगे सीधा सिनेमैटिक पे चले जाओ। तो जो DSLR से ऑडियो रिकॉर्ड हुई है वो ज़रा आप देख के आओ, फिर हम बात करते हैं आगे की। चलो देख के आओ। यही वो एक साउंड है जो रिकॉर्ड हुई है, बाकी इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ उस वीडियो में, जो कि GoPro से ली गई थी, जो कि जब मैं बाइक चला रहा था और भैया मेरे साथ साथ चल रहे थे। तो ऑडियो तो GoPro में ही सही रिकॉर्ड होगा उस बाइक का, क्लिप में ऑडियो फिर से नहीं रिकॉर्ड हुई और सारी मेहनत पे पानी फिर गया। 2-3 दिन तो नींद ही नहीं आई, सोचते कि यार पूरी वीडियो इतनी मेहनत से बनाई थी पूरी ख़राब हो गई, अब कहाँ ढूंढूंगा मैं फिर से भैया को। तो फिर सोचते सोचते अचानक मेरे को इरफान जुनेजो का ख्याल आ जाता है कि चलो क्यों ना हम भी इस वीडियो में वॉइस ओवर ट्राई करें। तो ये मेरा पहला वॉइस ओवर है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा लगा तो मैनेज कर लेना, नहीं तो नहीं लगा अच्छा फिर भी मैनेज कर लेना, ऐसे मैं डालता ही नहीं। चलो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके वीडियो डाल ही दिया आखिरकार, तो उस चीज़ के लिए मैनेज कर लेना। ये वीडियो आज मैं 3 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, पूरा सोचने के बाद कि क्या करना है कैसे बनानी है। तो ये सारा दूसरी बार फिर से शूट हुआ है, थोड़े सीन्स इसमें जो है वो दूसरी बार फिर से शूट हुए हैं। तो बस कहने का मतलब ये था कि GoPro ने एक बार फिर से धोखा दे दिया। अब GoPro के लिए माइक आ चुका है, वो मैंने फ़िट कर लिया हुआ है, अब देखो कि वो रिकॉर्ड करता है या नहीं करता है। और अभी सिनेमैटिक शॉट्स आने वाले हैं, 3, 2, 1।
इस वीडियो का सारा क्रेडिट जाता है बुरहान भैया को। तो अगर आप भैया ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक्स ये वीडियो हमारे साथ बनाने के लिए, और बहुत जल्दी हम एक राइड प्लान करते हैं आपके साथ। बस इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि इस वीडियो को काफ़ी मेहनत लगी हुई है। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ, राइड मोब।